वहीं अमरनाथ यात्रा के अचानक से स्थगित करने का सीधा असर इसके यात्रियों पर पड़ा है। श्रद्धालु जहां तहां फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि लोगों को वापसी का टिकट मिल ही नहीं रहा। जिन लोगों ने 5 दिन बाद वापसी के लिए टिकट लिया था वो आज ही लौटने की कोशिश में जुटे हैं और इसी बीच जम्मू कश्मीर की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। अमरनाथ यात्रा स्थगित होने से श्रद्धालु परेशान हुए, अब टिकट का इंतजार। जम्मू में बने बेस कैंप में हजारों यात्री फंसे हैं, इन्हें वापस लौटने को कहा गया है। कल यात्रा को लेकर जारी एडवाइजरी से लोग नाराज और मायूस हो गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अचानक यात्रा रद्द होने से बहुत से लोगों के पास वापसी का टिकट नहीं है। यात्रा के रास्ते में लगे लंगरों को हटा दिया गया है, श्रद्धालुओं को मुश्किल हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बनाया गया ये बेस कैंप है। इसकी तैयारी 3 महीने से चल रही थी लेकिन एक एडवाइजरी से ये स्थगित हो गई है। ऐसे में यात्रा के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु जहां के तहां फंस गए हैं। किसी के भी पास फौरन वापसी का टिकट नहीं है। कहां जाएं, हमारा रिजर्वेशन नहीं है अभी। हमारा रिजर्वेशन 10 तारीख का है, किसी का 11 का है, किसी का 8 का है, किसी का 9 का है। एटलीस्ट आज तो 3 तारीख हुई है। दिक्कतें आ रही है कि हम हमारे शहर पे कैसे पहुंचे, वहां जाने की दिक्कत आ रही है। वो हमारा रिजर्वेशन है यहाँ से 7 तारीख का, अब हम कहाँ जाएं यहाँ पे। हमारा रिजर्वेशन 7 तारीख का है तो अब किधर जाएं, अब 3-4 दिन तक कहाँ जाएं, ये लफड़ा ये पड़ रहा। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर उन्हें सुरक्षा मिले तो वो यात्रा करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, बाबा बर्फानी के भक्त काफी निराश हैं। सरकार द्वारा आतंकवादी हमले की आशंका के चलते जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बाद जो एक अफवाहों का दौर चला, उसके बावजूद भी जो है बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन अफवाहों के चलते इन श्रद्धालुओं में ये मायूसी भी हो गई है और ये डर भी पैदा हो गया है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी 2 दिन भी लेट हुआ था, हम करने की तैयार है दर्शन, बाबा का दर्शन होना, बोलते हम बहुत नाराज हो गए, हम चले जा रहे हैं। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि काउंटर मेजर्स लिए जाएं ताकि आतंकी और पाकिस्तान के लोग अपनी साजिश में कामयाब ना हो, और उसी के चलते ये सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, सुरक्षा करना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और जिम्मेवारी है। ये माना जा रहा था कि ऐसी कोई संभावनाएं जिस पर इतनी बड़ी चिंता उठ खड़ी हो, ऐसी संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन जो भी कारण है, जो भी निर्णय लिया है वो सरकार ने लिया है और सरकार का दायित्व बनता है सबकी सुरक्षा हो और व्यवस्था बनी रहे। हम जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत चाहते हैं, हम वहाँ पर जीरो टेरर चाहते हैं, हम टेररिस्ट को ऑल आउट कर रहे हैं और इसलिए वहाँ पर फोर्स की तादाद बढ़ाई गई है। कहीं से भी किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम जम्मू कश्मीर की आवाम की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सारे कदम उठा रहे हैं। अफवाहों का बाजार जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त गर्म है और जिस तरीके से रूमर्स फैलाए जा रहे हैं और अलग अलग जो है लोगों की तरफ से अलग अलग बयानबाजी भी की जा रही है इस संदर्भ में, ये रियासत जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील रियासत के लिए सही नहीं है।